नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नगर पंचायत मनियर की ईओ मणिमंजरी राय खुदकुशी के मामले में सदर पुलिस ने ईओ के ड्राइवर चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अब इन सब में उम्मीद यह है कि इससे कई राज खुल जाएंगे, इससे पुलिस ईओ खुदकुशी मामले की सच्चाई तक पहुंचेगी। पुलिस ऐसा इसलिए भी मान रही है कि ड्राइवर की पूछताछ में वो कई राज को खोल सकता है और इसलिए एसीपी संजय कुमार खुद आरोपी ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस केस में कोई बड़ी गिरफ्तारी का ना होना पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवालिया निशान उठा रहा है। उधर ईओ के पिता जय ठाकुर राय ने हत्या करके शव को लटकाए जाने का आरोप भी लगाया है। वहीं उनके भाई विजयानंद राय की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत के अध्यक्ष भीम गुप्ता, टैक्स लिपिक विनोद सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश, चालक चंदन और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा भी कायम किया है। लेकिन ड्राइवर के अलावा अभी तक इसमें कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हालांकि सूत्रों की माने तो यह केस ठेकेदारी से जुड़ा हुआ तो दिखता है। इलाके के दबंग लोग ईओ मणिमंजरी राय पर जबरन फाइल पर साइन करवाना चाह रहे थे और इसको लेकर के वो काफी ज्यादा परेशान भी थी। आपको यहां पर यह भी बता दें कि 6 जुलाई की रात को नगर पंचायत मनियर की ईओ मणिमंजरी राय का शव उनके आवास विकास कॉलोनी में स्थित एक किराए के फ्लैट में लटकता हुआ मिला था। अब ईओ के पिता और भाइयों ने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले की पारदर्शी जांच करवाने की भी मांग की गई है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब कई अहम सवाल उठ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी और प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है क्या उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई संज्ञान लिया जाएगा। ये दो सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बाद जो उसमें सबसे अहम सवाल है वो यही आ रहा है कि आखिर ये खुदकुशी है या फिर हत्या, क्योंकि आरोप पिता की तरफ से ऐसे ही लगाए गए। दूसरा अहम सवाल यह है कि नामजद एफआईआर हुई है, इसके बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है और पुलिस के आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, यह भी इसी के साथ एक अहम सवाल है। तो ईओ मणिमंजरी राय की मौत का दोषी कौन है, क्या ठेकेदार की वजह से मणिमंजरी की मौत हुई है, ये तमाम सवाल अभी भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार बरकरार है। और आइए अभी आपको यह भी सुनवा देते हैं इस पूरे घटना के बाद मृतक के परिजनों का क्या कुछ कहना है, इसको भी सुनिए। मैं आपका अध्यक्ष हैं भीम गुप्ता और लिपिक विनोद सिंह हैं और एक अखिलेश हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और आपका ये कुछ ठेकेदार लोग भी हैं, फ़ोन करके परेशान करते थे। कैसे परेशान करते थे? और ये मेरा साइन करना है, मेरा चेक, ये पैसा निकलवाइए। कब से ये लोग कर रहे थे? शुरू से ही इलीगल के लिए और टेंडर के लिए गलत तरीक़े से दे देना। क्या कभी विरोध किया था उनको? हाँ, अभी कई बार विरोध किए और कभी अभी एक दिन तो एडीएम के यहाँ भी दिया गया था कि ये 35 ये था आपका टेंडर था, उसमें 18 एक ही आदमी को दिया था, 15 के 18 एक ही आदमी को दिया गया था, बिना इनके अनुमति के ही दे दिया। हाँ, किसी उसके लिए एडीएम से सर से बात हुआ था, गई थी, उसे कैदोगत की थी, बोली थी। उस पर कोई सुनवाई हुई थी? ये नहीं बताएं, वो उसका जांच चल रहा है, बोली थी, हम गए थे, बोले थे। इसमें ड्राइवर भी संलिप्त है? हाँ, ड्राइवर भी है, ड्राइवर मिला हुआ तो बोल रही थी। तो कुल मिलाकर परिजनों को आपने सुन लिया है, लेकिन अब अहम सवाल यह है कि मनियर की ओ मणिमंजरी राय की खुदकुशी के मामले में दरअसल अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको किस प्रकार से देखा जाए, इसके क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि नामजद आरोपी होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीसीएस अधिकारी के मौत के पीछे का जो रहस्य है वो क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। और क्या पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, यह भी एक अहम सवाल है। और इसी के साथ साथ अब ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के जो बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई, जो एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें इस पूरे प्रकरण की जांच करवाने की मांग कही गई, अब इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इसका भी इंतजार रहेगा। बहरहाल इस पर चर्चा करते हैं, अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संपादक। अरविंद जी, कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, खासतौर से तब जब जो मृतक के परिजन है वो खुद कह रहे हों कि दरअसल ये एक तरीके से मर्डर है, हत्या है, उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक सिर्फ ड्राइवर तक पहुंच पाई है, पूछताछ कर रही है,
क्या अभी भी माना जाए कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे के अंदर है? बड़े आयुष, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक लड़की जो कि बड़ी मेहनत करके, पढ़ाई करके पीसीएस बनती है, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती है, उसके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। इधर भी बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। मुझे लगता है कि जिले के जो आला अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो चाहे कप्तान हो, उनके बयान हमने बड़े ध्यान से सुने। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगी। उसके पिता की भी मैंने जो बातें थी वो बड़े ध्यान से सुनी। उनका कहना था कि इतनी कमजोर नहीं थी मणिमंजरी, और लड़की इस स्थिति में पहुंच जाती है कि वो पंखे से लटक के अपनी आत्महत्या कर लेती है, तो बहुत सारे सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और शायद आप देखिए कि भीम गुप्ता जो कि घूमते रहे वहां पे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम नहीं किया, उनसे पूछताछ करने का काम नहीं किया, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इन्होंने क्या किया है, एक ड्राइवर को बुला के बिठा लिया है, और इस पूरे मामले पर को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया जाए। कॉल डिटेल उनके पास आ गई होगी, किससे किससे उस लड़की की बात हुई है ये सबको जानकारी हो गई होगी। पुलिस जितनी धीमी गति से काम कर रही है, मुझे लगता नहीं है कि मणिमंजरी राय को मरे हुए 6 दिन के आसपास हो चुके हैं और अभी तक पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़ा करता है कि आखिर पुलिस की क्या नीयत है, प्रशासन क्या करना चाहता है। क्योंकि जो ठेकेदारी की व्यवस्था है, जो टेंडर का काम है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीचे स्तर पर इतना हावी है कि उसमें किसी का कोई बस नहीं है। जो ज्यादा ताकतवर है वो टेंडर उसी को मिलेगा, क्योंकि मंत्री भी उसके साथ होता है, प्रशासन भी उसके साथ होता है, और वो अपने आप में खुद भी बाहुबली होता है। मणिमंजरी राय की अगर चिट्ठी को आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझ पे दबाव डाल के मुझसे पेपरों पे दस्तखत करा लिया गया और मुझसे बहुत गलत काम करवा लिया गया। तो सवाल यह कि कौन है वो व्यक्ति जिसने गलत काम करवाया, अभी तक पुलिस ये बता नहीं पाई। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कौन कौन से ऐसे टेंडर है। जैसा कि अभी मैं उनके परिजन की बात सुन रहा था कि एडीएम महोदय के कहने पे एक बड़ा टेंडर जो है वो दे दिया गया एक ठेकेदार को, और ये भी जानकारी मिली है कि बिना इनके साइन के टेंडर जारी कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब न तो प्रशासन ने दिया और न ही पुलिस ने दिया, तो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। नहीं, लेकिन अरविंद, क्या इसको इस तरीके से सीधे तौर पे समझ लिया जाए कि कहीं ना कहीं एक जो बड़ा तगड़ा नेक्सस है उसका शिकार मणिमंजरी राय हो गई है, और अब जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी अब पुलिस से चाह रही है कि किसी भी तरीके से जो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया जाए, जो असली केंद्र बिंदु है उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें भटक जाएं, इसलिए वो छोटे मोटे लोगों की गिरफ्तारियां करके या ड्राइवर को बिठा करके उससे पूछताछ जैसी जो तमाम कवायद है वो सिर्फ दिखाने की कोशिश हो रही है। खेल पर्दे के पीछे बहुत बड़ा है, और उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बचाने के चक्कर में ही अभी तक एक हफ्ते के बाद भी गिरफ्तारियां या पूछताछ या इस तरीके की कोई भी गतिविधि पुलिस की तरफ से नहीं की गई। भाई, अगर जिन लोगों के खिलाफ नामदर्ज एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस ने उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप गिरफ्तार करते, जांच करते, जांच के बाद रिपोर्ट आती, जैसी होती कार्रवाई की जाती। लेकिन सवाल यह है कि जो सस्पेक्ट हैं, जो ताकतवर लोग हैं, अगर वो घूमते रहेंगे तो वो सबूत मिटाने का काम करेंगे। अब आप देखिए कि आपने जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर आरोप है, उनको गिरफ्तार आपने नहीं किया। सवाल यह उठता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वो तो मेरे परिवार की लड़की जैसी थी। परिवार की लड़की मर जाती है, और बलिया जिले में काफी दिनों से पहली मणिमंजरी राय काफी दिनों से काम कर रही थी, अच्छी अफसर के रूप तौर पे जानी जाती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा? वह बहुत कॉमन जो हमारी युवाओं से बातचीत होती है, लोगों के बहुत सपने होते हैं आयुष, लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से पीसीएस क्वालिफाई उस लड़की ने किया, उसकी पोस्टिंग हुई, और पोस्टिंग होने के बाद वो अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने माता पिता को कुछ करना चाहती थी, उनके लिए जीना चाहती थी, अपने परिजनों के लिए जीना चाहती थी, लेकिन उसको आत्महत्या करना पड़ गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये पूरे सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और आज जो है प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी है इस बात को लेके योगी आदित्यनाथ जी को, तो मैं समझता हूं कि जांच अब तक होके इसमें किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि डीएम और कप्तान
उनके नकारेपन की वजह से आज हालात ये है कि कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सवाल ये है कि कौन किस वजह से मणिमंजरी राय की मौत हुई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल, वो ठेकेदार कौन था जिसने दबाव बनाया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भीम गुप्ता फरार हो गया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। जो क्लर्क है, जो बाकी लोगों के पर FIR दर्ज है, वो कहाँ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, तो लोग तो सवाल करेंगे ना, भाई आपको जिले में इसलिए बिठाया गया है क्योंकि जिला बेहतर चले, आपके यहाँ आपकी अफसर आत्महत्या कर लेती हैं, तो आपके कार्यशैली पे सवाल उठेंगे। कप्तान महोदय और DM महोदय अगर इस बात को सुन रहे हो तो इस बात को समझें कि किसी के परिवार की बेटी चली गई है और उसके बाद भी अगर वो सोए हुए हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं समझता हूं कि ये सवाल उठेगा और इंडिया न्यूज लगातार इस बात का पीछा करता रहेगा कि आखिर कब मणिमंजरी राय को न्याय मिलता है। बिल्कुल, आप इस बीच हमारे साथ अजीत कुमार मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, मृतक महिला ऑफिसर के मामा हैं। अजीत जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं और साथ ही साथ जो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि आप जरूर कहें। ये 6 तारीख की शाम की घटना है और अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि जनता में संतुष्टि मिल सके कि पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। और इसमें लगभग 5 लोगों को नामजद आरोपित किया गया है और 4-5 लोग अज्ञात के रूप में हैं, लेकिन अब तक किसी की धरपकड़ नहीं हुई, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है, कुछ अभी तक बुद्धि सुलझ नहीं पा रही है। जिसकी वजह से बलिया जनपद क्या पूरे प्रदेश के नौजवानों में बहुत रोष है और बड़े बुजुर्गों में भी इस बात के लिए बहुत चिंता का विषय है कि हमारे युवा आज इतने मेहनत करके पढ़ करके IAS PCS बनते हैं और अंत समय में किस दबाव में आके इनको आत्महत्या करनी पड़ रही है या इनकी मौत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए बहुत चिंता का विषय है और हम लोग चाहेंगे कि इस आवाज़ को अपने देश के हर कोने तक पहुंचाई जाए ताकि इस पर कुछ न्याय मिल सके। निर्भया का हुआ तो एक बार पूरा जन आंदोलन हुआ तो उसका न्याय मिला, लेकिन इस मणिमंजरी जो कि PCS अधिकारी थी और आज लॉकडाउन के वजह से लोग बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, मजबूरी है, नहीं तो अब तक तो बहुत लोग रोड पर सड़कों पर आ गए होते, लेकिन कब तक ये लॉकडाउन रोक पाएगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, इसके लिए हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल, अमित जी हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद जी मौजूद हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अरविंद जी, अमित जी मुझे ये बताइए कि जो साजिश है जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करा लिया गया, वो किस पेपर की बात हो रही है, कहां पे दस्तखत करा लिया गया, कौन से ठेके की बात हो रही है, कौन से टेंडर की बात हो रही है? हेलो अजीत जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो अरविंद जी का सवाल यह है कि जो बात आप कह रहे थे, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं बता रहा हूँ कि जब से उसने ज्वाइन किया था वहाँ पे नौकरी में, अभी नई उसने फर्स्ट ज्वाइनिंग की थी, तब से उसके ऊपर दबाव पड़ने लगे विभागों में कि कुछ मतलब गलत पेपरों को साइन करने के लिए, वो हमेशा भागती रही। उसने अपने आप को बलिया जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करके अपने आप को बलिया शहर से संबद्ध करा लिया था, फिर बाद में उसको वहीं पर अटैच कर दिया गया। उसके बाद उसके तमाम फिर भी दबाव उसके बनते रहे, लेकिन वो कभी भी गलत मतलब कोई भी साइन करना नहीं चाहती थी, बिना टेंडर के किसी ठेके को देना नहीं चाहती थी। और हम लोग तो खैर वहाँ जाते नहीं थे, लेकिन सुनने में आता था कि हमेशा दबाव बन रहा है इसके ठेके पर वगैरह और फाइलों पर काम करने के लिए, लेकिन हमेशा उसका विरोध करती रही कि जो भी काम होगा नियम से ही होगा, नियम के विरुद्ध नहीं होगा, इसलिए हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एक आवाज़ उठ गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई कि हत्या है या आत्महत्या है, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, अब तक ये क्यों नहीं खुल पा रहा है, आखिर हमारी पुलिस हमारी प्रशासन क्या कर रही है? मैं अजीत मिश्रा हूँ, मेरा नाम अमित नहीं है, मेरा नाम अजीत मिश्रा है। जी जी अजीत जी, अजीत जी मुझे ये बताइए जी, अरविंद जी सवाल पूछ लें जी। अजीत जी मैं अजीत जी मुझे ये बताइए अजीत जी मुझे आप हाँ अजीत जी मुझे ये बताइए कि क्या मणिमंजरी राय ने कमिश्नर को, DM को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, ये जानकारी दी थी कि मेरे साथ इस तरीके से
लोग पेश आ रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, मुझसे जबरदस्ती दस्तखत कराना चाहते हैं। घर में आप लोगों ने तलाशी वलाशी ली होगी या पुलिस के सामने तलाशी हुई होगी कि तो क्या कोई ऐसी चिट्ठी मिली क्या? अब मेरे पास चिट्ठी तो नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में इतना है कि बलिया डीएम जब खगरौत साहब थे, भवानी सिंह खगरौत, तो उनको उसने निवेदन करके अपने आप को मनियर से हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने बलिया में किसी विभाग से उसको संबद्ध कर दिया था, लेकिन फिर उनके चले जाने के बाद फिर उसकी पोस्टिंग वहीं मनियर में ही कर दी गई, और जिसकी वजह से वहाँ लगातार परेशान ही रहती थी वो। बिल्कुल, लेकिन एक चीज में और अजीत जी, आपसे भी शिकायत अगर उन्होंने खरगोन साहब से की थी तो जो नए डीएम जी अरविंद जी कंप्लीट कर लें। एक सवाल और है आयुष, एक सवाल मैं और पूछ लूं। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो डीएम है कमिश्नर, जो डीएम है जो कमिश्नर है, उनसे क्या इन्होंने शिकायत की, क्या 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 कभी उन्होंने ये बात जो है इन लोगों से कही कि मेरे साथ गलत हो रहा है? क्योंकि जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे किसी को कैसे पता चलेगा कि नहीं आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, आपसे जबरदस्ती दस्तखत कराया जा रहा है? नहीं, अपने आला अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन मैं बारीकी से मैं इस बात को नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसके घर में तो रहता नहीं हूँ कि मैं दिन भर देखता रहूँ कि वो कब कब किसको शिकायत कर रही है। हमसे हम सलाह थोड़े लेती थी कि मैं क्या क्या करना है, जितना जब जानते थे उतना हम बताएं। डीएम साहब वाला मैं मुझे पता था, उसको मैंने बताया, और कहाँ कहाँ शिकायत की है मुझे इस बारे में पता नहीं। अच्छा। अजीत, एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, क्या ऐसी कोई जानकारी है क्या? ड्राइवर को इसीलिए हटा दिया गया? इसके बारे में मुझे कुछ विशेष जानकारी नहीं है कि क्या प्रेम प्रसंग था क्या नहीं था, क्योंकि मेरे घर में तो रहती नहीं थी, मेरे घर से कुछ दूरी पर उसका किराए पर रहती थी, मकान में लेकर रहती थी वो, और उसके पिताजी उसके साथ रहते थे, लेकिन इस बीच वो गाँव चले गए थे। जैसा कि आपने सवाल किया है वैसा कुछ धीरे धीरे सुनने को मिल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन ड्राइवर का कुछ इसमें रोल है जरूर, क्योंकि ड्राइवर किसी से कुछ उल्टा पुल्टी बात किया था जिसके माध्यम से किसी अधिकारी का नाम फंस रहा है, क्योंकि मौके पर घटनास्थल के दिन जब मैं गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि एक अधिकारी लोट लोट के रो रहा था, जैसे उसकी जैसे किसी माँ का बेटा मर जाता है तो रोता है, उसी तरीके से रो रहा था वो अधिकारी तहसीलदार रजत सिंह। अब क्या उसका संबंध था कि इतना रो रहा था, हम इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं इसके बारे में, जिसकी वजह से चर्चाएं तेज हैं जैसा कि आपने सवाल किया। ठीक है जी, आयुष जी आप एक चीज, आयुष क्या हम लोग किसी से बात कर सकते हैं क्या, डीएम या कप्तान से? बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अगर संभव होता है तो डीएम या कप्तान से भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अरविंद जी, एक सवाल मेरा और भी था अजब सिंह से। जी आप अजीत जी आप ठीक है क्योंकि आप एकदम साथ में तो नहीं रहते थे, लेकिन आप चूंकि आप उनके मामा हैं, इतना तो आप मणि मंजरी के बारे में बता सकते हैं, ये स्थितियां क्या बनी, और आपको लगता है कि मणि मंजरी जैसी एक युवा महिला जो कि इतनी कठिन परीक्षा देने के बावजूद अपने इस लक्ष्य तक पहुंची हो, इतने बेहतर तरीके से अपने उन तमाम व्यवस्थाओं को वो चला रही हो, क्या ऐसी महिला खुदकुशी कर सकती है, या जो आरोप लगा रहे हैं उनके पिता कि ये एक तरीके का मर्डर है, हत्या है, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसको भी साथ में बताएं। मुझे तो लगता है कि हत्या करके उसको टांग दिया गया है, क्योंकि मुझे जब बुलाया गया वहाँ पे 9:46 पे मेरे यहाँ फोन आया कि आपकी भांजी ने आत्महत्या कर ली है। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मौके पर मौजूद मिले ईओ सिकंदरपुर संजय राव जी और ईओ रेवती मृदुल सिंह जी। इन लोगों ने ये बताया कि हमारे यहाँ नायब तहसीलदार रजत सिंह जी का फ़ोन आया हुआ था, उन्होंने कहा कि जल्दी पहुँचो नहीं तो आत्महत्या कर लेगी। तब हम लोग दौड़े दौड़े आए, तब तक दरवाज़ा बंद था, तो हम लोग दरवाज़ा खोल लिए और उसके बाद हम लोग घुस के देखे तो आत्महत्या कर चुकी थी। मुझसे भी इन लोगों ने कहा कि आप ऊपर चलिए देख आइए, तो मैंने कहा कि प्रशासन आएगा तब मैं चलूँगा। लेकिन जब मैं कोतवाल साहब के साथ छत पे गया तो वहाँ पे दरवाज़ा खुला पाया और उसकी पैर लटकता हुआ नहीं मिला मुझे, उसके बेड पे उसका ठेवना टिका हुआ था, तो मुझे इस बात की शंका हुई कि अगर उसने आत्महत्या की होती तो उसका पैर लटक रहा होता, उसका पैर लटकता हुआ नहीं दिखाई दिया, पलंग पे उसका टिका हुआ दिखाई मुझे दिया। बिल्कुल, लेकिन अजीत जी एक चीज और मुझे जरा बताइए,
मैं ये भी थोड़ा सा और जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि बड़े नाम हैं इसके अंदर, चाहे हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर लें, और भी कई लोगों के नाम इसके अंदर आ रहे हैं। जब नामजद FIR है, पूछताछ अभी तक ना होना, इसके पीछे क्या आपको लग रहा है, और क्या आप सीधे तौर पर समझ पा रहे हैं कि बचाने की कोशिश हो रही है इस तरीके से? शायद इस वजह से अब तक इतने बड़े नामों के आने के बावजूद भी जो पूछताछ है वो तक पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। ऐसा तो हमको भी लग रहा है कि पुलिस इस पर मजबूती से बल नहीं दे पा रही है, और इसको दबाव में लेने की भी व्यवस्था धीरे धीरे बनाने की कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे लॉकडाउन के बहाने मामला दब जाए, इस मामले को उठाया ना जाए, इसलिए ऐसी कोशिश हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। अरुण जी, मैं वहाँ पे जब कमरे में गया तो मैंने पुलिस विभाग से के कुछ अधिकारी थे उनसे पूछा कि मैं क्या फ़ोटो खींच सकता हूँ, तो उन्होंने मना किया, तो मैंने ना फ़ोटो खींचा ना वीडियो रिकॉर्डिंग किया। वो लोग बोले कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, पुलिस विभाग द्वारा कराई जा रही है, तो मैं भी आश्वस्त हो गया कि पुलिस विभाग के लोग हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सारा सबूत इन लोगों के पास है। उन लोगों ने चिट्ठी भी जब्त की, मुझे नहीं दिखाई गई, और उन लोगों ने, मैं नीचे उतर आया था, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं नीचे उतर आया था, तो इन लोगों ने क्या रिकॉर्ड किया क्या नहीं रिकॉर्ड किया मुझे इस बारे में पता नहीं है, और चिट्ठी वो सही है कि गलत है इसको भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। और मकान मालिक जो है वो बता रहा है कि 3 साल से हमारा CC कैमरा बंद है जी। उसके 9 फ्लैट किराए पर चलते हैं, लेकिन वो बता रहा है कि मेरा CC कैमरा बंद है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरविंद जी, हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं कि अब बड़े अधिकारियों से बातचीत हो जाए, क्योंकि स्पष्ट तौर पे वही बता पाएंगे कि पुलिस दरअसल जो काम कर रही है वो किस दिशा में और किस एंगल में कर रही है, और क्यों ये सारी जो चीज़ें हैं वो अब तक नहीं हो पाई। लेकिन जो बात कह रहे हैं अजीत जी यहाँ पर बैठ करके, जो 2-3 बड़ी बातें उन्होंने कहीं, चाहे आप संदेह को लेकर के कि ये खुदकुशी है या फिर वो मर्डर है, या फिर जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको फोटो क्लिक करने से या फिर वहाँ पर रहने से रुकने से इनको मना किया जाता है, ये जो तमाम बातें ये कह रहे हैं, इसको कैसे देख पा रहे हैं, और क्या ये पुलिस की कार्यशैली को आप संदेहास्पद या फिर कटघरे में ला करके खड़ा कर रही हैं? अरविंद जी, निश्चित रूप से इनकी बातें सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि CCTV कैमरा बंद था, मकान मालिक की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है, उसके अलावा जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अजब सिंह जो कि नायब तहसीलदार है उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है, जबकि उन्होंने प्रथम दृष्टया सबसे पहले सूचना दी, अगर इनकी बात माने, मैं अजीत मिश्रा जी की बात माने, तो सबसे पहले उन्होंने सूचना देने का काम किया, CDR पुलिस के पास आ गई होगी, अब तक सारी चीजें सार्वजनिक होके यह स्पष्ट हो गया होता कि यह आत्महत्या है या हत्या है, इसमें मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है। अगर दबाव की वजह से आत्महत्या लड़की ने की है तो वो सारी जानकारी पुलिस को खोल के रख देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर उसकी हत्या की गई है तो बहुत सारे सबूत उनके पास हैं, वो इतना समय उनको मिल गया था कि उसकी विवेचना हो गई होती, और बहुत आसानी से सही क्या है गलत क्या है जो लोग पुलिस में काम करते हैं बहुत आसानी से उनको समझ में आता है। हमें भी पत्रकारिता करते हुए 18 साल के आसपास हो गए हैं तो आइडिया लग जाता है कि नहीं कहां क्या हो रहा है। इस पूरे मामले को पुलिस जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, मुझे अभी तक यही लगता है, और शायद यही कारण है कि जांच की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी है, अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, और इसको लेके आप देखिए फेसबुक पे लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और जो लड़के लड़कियां हैं उनको लगता है कि कितनी मेहनत से कितना त्याग करके इतनी बड़ी सफलता मणिमंजरी राय ने पाया और PCS अफसर बनी, क्या PCS अफसर वो इसलिए बनी कि आत्महत्या कर ले? तो सवाल यह है कि इस अभियान का कोई असर नहीं है उन अफसरों पे जो जिले में पोस्टेड हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और शायद ऐसे ही अफसर जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब करते हैं। नहीं, लेकिन अरविंद जी एक चीज़ इसमें और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आप तो हर चीज़ में जो है जो राजनीति है वो भी होती है, और प्रियंका गांधी की तरफ से भी जो एक पत्र है वो लिखा गया है, क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री भले ही तमाम बातों को कहते रहते हों अफसरशाही को सख्त करने की या लगाम लगाने की बात कहते हों, लेकिन इस प्रकरण में भी ऐसा प्रकरण जिसको पुलिस चाहे तो मिनटों में निपटा सकती है, लेकिन वहां पर भी अफसरशाही कितनी हावी है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। निश्चित रूप से अफसरशाही हावी है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री या उनके जो लोग हैं अगर इस खबर को देख रहे होंगे तो इस पे सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की नीयत जो है वो साफ है, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रश्रय नहीं देते हैं जिसने सिस्टम के खिलाफ काम किया हो, गलत काम किया हो, या कहीं पे गलत वो इन्वॉल्व हो,
तो ये हमें आपको समझना होगा और शायद ये जिम्मेदारी, देखिए सारा काम मुख्यमंत्री का नहीं होता है, बिल्कुल मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि जिले में अच्छे अफसर पोस्ट किए जाएं, वो उन्होंने कर दिए हैं और जो अफसर हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो समाज में गड़बड़ी करने का काम कर रहे हैं, ठेके हो, टेंडर हो या इस महिला अधिकारी की मौत हो, इसके लिए वहां के डीएम, वहां के जो हैं कप्तान या वहां के कमिश्नर, यहां तक के मामला बहुत है और मुझे लगता है कि इसमें जो है इस पूरे मामले को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जो छात्र छात्राएं हैं या जो नए लड़के हैं वो अभियान चला रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को दबाया नहीं जा सकता और इंडिया न्यूज ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे लोगों के लिए खड़ा होता है, लड़ता है, जो लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसे लोगों को ये भरोसा भी मैं दिलाता हूं कि जो भी कुछ होगा उस पर हमारी नजर होगी और हम इसकी पड़ताल तब तक करते रहेंगे जब तक कि मणि मंजरी राय को न्याय नहीं मिल जाता या जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो छुपी हुई है, जो अभी पता नहीं चला कि हत्या है, आत्महत्या है या क्या है इसके पीछे का कारण, तब तक इंडिया न्यूज इस खबर के पीछे, और हम लोग लगातार इसकी जो पड़ताल है वो भी करते रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक इंडिया न्यूज इस खबर पर लगातार बना रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका और अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और हालांकि कोशिश अधिकारियों से भी बातचीत की हुई थी लेकिन अधिकारी व्यस्त होने के चलते फोन नहीं उठा पाए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।